गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 6 सितंबर 2022, कल न्यूयॉर्क हॉलिडे था बिकॉज ऑफ लेबर डे, तो ओवरसीज में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज था नहीं, मेनली डॉलर लिंक था तो ज्यादा कुछ वॉलीटिलिटी दिखा नहीं है। फिर भी आइए देखते हैं कि वट एवर एक्टिविटीज हुआ है फ्रॉम देयर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेंस फोर्थ। डॉलर इंडेक्स में कल न्यूयॉर्क हॉलिडे में एक इन्वर्टेड पिन बार देखा क्या, जो आपका हाई गया था 110.27 तक एंड आपका क्लोजिंग था 109.60, अभी है 109.50। अभी हमें ये जो इन्वर्टेड पिन बार है इसका हाई बिकम्स ए क्रूशियल लेवल। इसके हाई के ऊपर ही हम मीन्स फर्दर अप मूव देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर कन्फर्मेशन आज का कन्फर्मेशन मिल जाता है, द कन्फर्मेशन इज दैट आपका 2 सितंबर का लो के नीचे अगर आज या कल क्लोज दे देता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 108.80 के नीचे अगर क्लोज दे देता है, इन सच ए केस ये कन्फर्मेशन होगा कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है। इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन आएगा, तीन बार अच्छा खासा एक रिजल्ट दे सकता है। तो इन सच ए सिनेरियो डेली क्लोज बिलो 2 सितंबर लो में सॉफ्टन द इंडेक्स, और वो अगर क्लोज देगा इन सच ए सिनेरियो, आपका जो ये ट्रेंड लाइन है 45 डिग्री वाला जो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन के नीचे भी कैंडल क्लोज दे देगा इन सच ए सिनेरियो, आपका सॉफ्टनेस हम डॉलर इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर में कल साइडवाइज मूवमेंट था, इट ट्रेडेड इन बिटवीन 79. इन इंडियन मार्केट इट ट्रेडेड इन बिटवीन 79.80 एंड 96, अभी है 79.86। जो आपको देखना है कि वही आपका 80.00 से 80.30 सीम्स टू बी ए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, जहां पे हम आपका मीन्स साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो बाई गोइंग थ्रू द आरबीआई गवर्नर्स स्टेटमेंट, कल फिमडा के मीटिंग में उन्होंने जो मीन्स उनका परसेप्शन दिया है अबाउट द मार्केट, तो डेट ऑल्सो इज वेरी वैल्यूएबल। जीबीपी डॉलर में कल अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखा क्या, रीजन इज दैट आफ्टर बोरिस जॉनसन फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर का चयन हो चुका है एंड द लीडर इज देयर टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम देयर हियर फ्रॉम द न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टेक अप द इकोनॉमी, उसी के कारण जीबीपी डॉलर में हमने अच्छा खासा एक बाउंस देखा गया फ्रॉम द बॉटम। आपका बॉटम लो जो था 1.1443 और हमारा जो सपोर्ट जोन था दैट इज 1.14 से 1.1650, 250 बेसिस पॉइंट्स का एक बड़ा सपोर्ट जोन था। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, देन एंड ओनली देन थोड़ा सा रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन एनी केस हमारा जो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो है 1.1750 से आपका 1.1900, ये जोन जो होगा एक इनिशियल रेजिस्टेंस जोन होगा, उसके बाद ही हम इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रियली मींस एप्रिशिएटिंग जीबीपी अगेंस्ट द डॉलर्स। जीबीपी आईएनआर में देखेंगे उसी के इम्पैक्ट में जो है कि रूपी में भी मीन्स आईएनआर टर्म्स में भी ये एक बाउंस बैक किया है सेम, एंड इसका जो टिपिकल सपोर्ट लेवल था दैट इज 91.50 से 91.70 वहीं पे सर टच एंड गो करके ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। यूरो आईएनआर में कंसोलिडेशन जारी है, कल एक लो देखा था बिलो दैट लो इज 0.9877, जो 0.9900 के नीचे लो बनाया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, दैट बीइंग द केस यहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है और हमारा जो
मीन्स फोकस रहेगा 8 सितंबर को इसी बी का रेट डिसीशंस, उसमें क्या 50 बेसिस पॉइंट्स है या 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक है वो हमें देखना पड़ेगा। यूरो आइनर में भी लोअर लेवल से एक बाउंस बैक हमने देखा है, लेकिन ये आपका जो कंसोलिडेशन से बाहर इसको निकलना पड़ेगा तभी जाके हम एक अच्छा खासा अप मूव हम देख सकते हैं। जो कंसोलिडेशन जोन हो गया ये आपका नीचे की तरफ 79.10 एंड ऊपर की तरफ 80.10, 1 रुपया का रेजिस्टेंस जोन है या कंसोलिडेशन जोन है। इसके हाई के ऊपर ही हमें कुछ अच्छा खासा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन में भयंकर अपवर्ड मोमेंटम है, ये ऊपर के हाई के ऊपर हाई बना रहा है, और एज अ मंथली जो टारगेट है वो है आपका 149 से 149.50 मंथली का टारगेट में, लेकिन कितना जल्दी जाएगा या नहीं उसका फर्दर हमें ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव एज वेल एज जापानीज पर्सपेक्टिव में भी हमें देखना है। यहाँ पे कोई सेल करने का कोई मौका ही नहीं है बिकॉज एनी डिप में बी सोल्ड टिल ये ट्रेंड लाइन इज रेस्पेक्टेड। ये नाइनर में देखेंगे यहाँ पर सॉफ्टनेस कंटिन्यूड है, अभी का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 0.5650 से 0.5660 उसके वहां पे देखना है कि कैसे सपोर्ट ले रहा है, और ये ब्रेक कर जाएगा तो और भी नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में आपका अभी है 1.3115, ये आपका 1.322050 के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहां पे रेस्पेक्ट कर रहा है, एंड प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा लोअर है, लोअर लो फॉर्मेशन करने का कोशिश कर रहा है। आई देखते हैं कि कब तक ये प्राइस कॉन्फर्मेशन आता है। अभी के लिए ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके लो के नीचे हम थोड़ा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में आज रेट डिसीशंस था, एग्जैक्टली रेट डिसीशंस में क्या रिपोर्ट है मैंने अभी तक देखा नहीं है, इसका ऑब्जर्व किया नहीं है, बट प्राइस एक्शंस के लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। CNH में अगर हम देखेंगे, CNH में आपका यही ऊपर के जैसे कि हमारा एक्सपेक्ट है, ये कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर हम अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं, और वही है 0.95 चला गया है। जो इनिशियल स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 7.02, उसके ऊपर है 7.14 से 15 की तरफ। यूके ऑयल में कल जिस ओपेक प्लस का एक मीटिंग था, काफी क्रूशियल मीटिंग था, जहां पे मींस प्रोडक्शन कट करने का, सप्लाई कट करने का एक डिसीशन लिया गया है, बिकॉज ऑफ विच नीचे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर के मींस थोड़ा बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है बिकॉज काफी इस लेवल पे 92 ऑन द लोअर साइड एंड 100 ऑन द हायर साइड, इसके बीच में काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। प्राइस को थोड़ा सा यहां से क्लियर होना पड़ेगा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड फॉर फर्दर क्यू। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में हम अगर देखेंगे, ये आपका 1 सितंबर को जो हाई मारा था 3.2950, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो कैंडल था 2 सितंबर का, इट्स ए सम सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार टाइप ऑफ कैंडल, बट नॉट एग्जैक्टली द इनसाइड बार टाइप ऑफ कैंडल। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके सपोर्ट लेके अगर हाई को तोड़ता है देन फिर नया उछाल हम देख सकते हैं, अगर इसके लो के नीचे क्लोज दे देता है तो हम थोड़ा सा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।